नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज भारत के लिए, भारत की संचार क्रांति के क्षेत्र के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि की घोषणा हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है। अब भारत 5G ही नहीं, आने वाले दो चार वर्षों बाद भारत में 6G टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है। अब 5G फोनों से अब हम लोगों को छुटकारा मिलेगा और नई तकनीकी के माध्यम से नए फीचर्स को देखते हुए हम अपने कामों को और आसानी से कर पाएंगे। यह हम नहीं, यह भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया है कि अब भारत में 6G प्लेटफॉर्म को अब बहुत जल्दी ही तैयार किया जा रहा है और भारत 6G जनरेशन की व्यवस्था लाने वाला देश होगा। तो इसी विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने घोषणा क्या की और जो 1G से लेकर 6G तक का भारत का सफर कैसा रहा, भारत में कितने सब्सक्राइबर हैं, ये तमाम स्थितियों को जानते हुए अपने इस पूरे वीडियो सेशन को कंप्लीट करेंगे। वीडियो सेशन को प्रारंभ होने के पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे 11 क्लासेस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। आइए वीडियो सेशन की तरफ वापस आते हैं और इसके टाइटल को समझते हुए आगे बात करते हैं। 5G होगा पुराना, भारत में आने वाला है 6G, या हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की घोषणा। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा, भारत में आने वाली है 6G टेक्नोलॉजी। खबर पर बात करते हैं। खबर क्या है? इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन हुआ था। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का आयोजन हुआ था। इसी में हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि भारत में 5G सेवा की सफलता के बाद 6G तकनीकी पर काम शुरू हो चुका है और भारत में जल्द ही 6G सेवाओं का सेवाएं प्रारंभ हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक डिजिटल नियमों की आवश्यकता पर बल दिया, जैसे विमानन क्षेत्र के नियम बताए गए हैं, तकनीकी से एथिकल उपयोग के लिए दिशा निर्देश तय किए जा सके हैं। आज भारत का हर जिला 5G टेक्नोलॉजी से जुड़ चुका है, 5G सेवा से जुड़ चुका है, जिससे भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बन चुका है। प्रधानमंत्री ने अपने उद्बोधन भाषण में यह कहा इस समिट में कि भारत का प्रत्येक जिला 5G टेक्नोलॉजी से जुड़ चुका है, जो भारत में भारत दुनिया का इसीलिए सबसे बड़ा 5G बाजार है दूसरे नंबर का। भारत ने काफी लंबा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाया है जिसकी लंबाई पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी से भी अधिक है। भारत क्या किया है, ऑप्टिकल फाइबर इतना बिछा दिया है जिसके तहत इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाएगा, भेजा जाएगा हमारे पूरे जो भारत में जितने जनपद हैं उन जनपदों तक, कि अगर उसकी ऑप्टिकल फाइबर की हम दूरी को देखें तो पृथ्वी से चांद तक जितनी दूरी है उससे भी यह दूरी अधिक है। मतलब उतनी जितने किलोमीटर है उससे ज्यादा किलोमीटर यह ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जा चुका है। आगे, भारत अब मोबाइल फोन का आयातक नहीं बल्कि निर्यातक बन गया है। पहले भारत क्या होता था, भारत में मोबाइल फोन मंगाया जाता था, अब भारत से दूसरे देशों में मोबाइल फोन भेजा जाता है, अर्थात आयातक से निर्यातक की देशों की सूची में हमारा भारत आ गया है मोबाइल फोनों के लिए। भारत 6G परियोजना और विजन दस्तावेज के बारे में, भारत की जो 6G प्रोजेक्ट क्या है, 6G प्रोजेक्ट क्या है, उसका दस्तावेज क्या है, उसका विजन क्या है, आइए इस पर हम बात कर लेते हैं। तो भारत 6G परियोजना का उद्देश्य 2030 तक 6G संचार सेवाओं को शुरू करना है। प्रश्न अगर यह पूछेगा कि भारत में जो प्रोजेक्ट 6G है वह कब तक भारत में 6G सेवाओं को उपलब्ध कराएगा, तो वर्ष 2030 तक। इस परियोजना को दो चरणों में लागू किया जाएगा। कोई भी इतनी बड़ी परियोजना है, इतना बड़ा हमारा भारत है, तो दो चरण तो इसमें लाजमी होने ही है। दो चरण होंगे, एक 2023 से 2025। इसमें हम क्या करेंगे, जोखिमपूर्ण विचारों और प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट परीक्षणों का संचालन करेंगे। वहीं 2025-30 तक नई तकनीकों का विकास करेंगे, व्यवसायीकरण और वैश्विक स्वीकृति प्राप्त करना इसका लक्ष्य रखा गया है। अब इसके लिए एक परिषद का गठन किया गया है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो मानकीकरण, 6G स्पेक्ट्रम की पहचान करेंगे, उपकरणों और प्रणालियों का विकास करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए वित्त पोषण की निगरानी यह परिषद करेगा। साथ ही साथ इसका मुख्य क्षेत्र क्या होगा, यह 6G होगा, यह परिषद होगा, तो टेराहर्ट्ज संचार, रेडियो इंटरफेस, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, संचालित कनेक्टेड इंटेलिजेंस और नए इनकोडिंग मेथड, इतने मेथड इसके मुख्य क्षेत्र होंगे। उसमें क्या होगा, टेराहर्ट्ज संचार होगा, रेडियो इंटरफेस होगा, AI संचालित कनेक्टेड इंटेलिजेंस होगा और नए इनकोडिंग मेथड होंगे। अब आइए इसके बाद हम भारत में इन सेवाओं के विकास पथ को देखते हैं। जो 1G था उसमें 1980 के आसपास आया था, इसमें केवल वॉइस कॉल होता था, मतलब हम हेलो उधर से भी सुनाई दिया, इधर से भी सुनाई दिया। उसके बाद प्रारंभ होता है 1990,
तो वॉइस कॉल के साथ साथ एसएमएस की भी सुविधा प्रोवाइड होने लगी 2G में। उसके बाद बात आता है 3G। 3G में वेब एप्लीकेशन आने लगे, यह वर्ष 2000 मतलब 10-10 साल के बाद हमने देखा कि हमारा देश इस टेक्नोलॉजी मोबाइल क्षेत्र में क्रांति की तरफ आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2010 की बात करें, मोबाइल एप्लीकेशन आने लगे, 4G की बात हुई, 5G में ढेर सारी टेक्नोलॉजीज आ गई, स्मार्ट सिटी, VR AR 2020 तक। और अगर हम बात करेंगे 6G टेक्नोलॉजी की, तो 6G टेक्नोलॉजी में ऑटोनॉमस सिस्टम, मल्टी सेंसरी एक्सरे, वायरलेस ब्रेन, कंप्यूटर इरेक्शन, ब्लॉक चेन 2030 तक लाने की उम्मीद है। तो हम 1980 से लेकर 2030 तक लगभग 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष और 50 वर्ष, 50 वर्षों के कार्यकाल में हम एक बहुत ऊंचे पायदान पर पहुंचने वाले हैं संचार के क्षेत्र में। जब 1980 में 1G आया टेक्नोलॉजी, उसमें हम केवल मोबाइल से बात कर सकते थे। उसके बाद बात करते हैं 1990 के दशक से 2G में हम क्या करते थे, बात भी कर सकते थे, SMS भी कर सकते थे। उसके बाद वेब एप्लीकेशन के जरिए बातें होने लगी, 4G आया, उसके बाद बहुत एप्लीकेशन आए, उसके बाद 2020 में 5G आ गया और 6G 2030 में आने की संभावना है। भारत का डिजिटल इकोसिस्टम, इसके मुख्य आंकड़े क्या है, भारत का जो डिजिटल इकोसिस्टम है उसके मुख्य आंकड़े क्या है, तो भारत 1.2 बिलियन डिजिटल सब्सक्राइबर के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार है, शायद अब यह पहला हो गया है। पिछले 9 वर्षों में ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ता 60 मिलियन से बढ़कर 800 मिलियन हो गए हैं, ब्रॉडबैंड का उपयोग करने वाले 60 मिलियन से बढ़कर 80 मिलियन हो गए हैं। इंटरफेस कनेक्शन 250 मिलियन से बढ़कर 850 मिलियन तक पहुंच गए हैं। सरकार और निजी क्षेत्र ने मिलकर 2.5 मिलियन किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है, 2.5 मिलियन किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है। इसमें गवर्नमेंट है और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर ऐसा काम किए हैं। हर दिन 70 मिलियन ई प्रमाणन और हर महीने 8 मिलियन UPI लेन देन होते हैं। 2.5 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के खाते में DBT के माध्यम से जोड़े गए हैं, यह हमारी उपलब्धि आ रही है। हमने देखा 1980 से 2030 तक हम कहां तक पहुंचने वाले हैं। भारत की विकसित अर्थव्यवस्था, विकसित संचार व्यवस्था इस बात का द्योतक है कि आने वाले वर्षों में 2047 तक जो हम आंकड़ा लेकर चल रहे हैं उसमें भारत विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्रों की सूची में शुमार होने वाला है। ये रहा प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो कांग्रेस हुई थी, मीटिंग हुई थी, उसमें इस बात को बता दिया गया है कि वर्ष 2030 तक भारत 5G तो हर देश के हर जिलों तक पहुंच गया है, अब 6G भी 2030 तक हम लोगों के साथ जुड़ेगा। उसकी क्या विशेषताएं होंगी, उसके लिए कौन से परिषद का गठन किया गया है, परिषद क्या काम करेगा, मुख्य उसके क्षेत्र कौन से होंगे, इन पर हमने बात किया। आपको हमारा वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो कृपया इल्मिन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।